चतुरी को बार उनसे मिलने चलो यार देखो ये हंसो यार को बार चतुरी को बार सेनापति को शेर पकड़ कर ले गया है? क्या बात कर रहे हो? सेनापति को शेर पकड़ कर ले गया है जंगल में? हाँ महाराज, क्या बोलूं? इतना बड़ा शेर था। तो तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ खड़े होकर? क्या पत्ते गिन रहे थे? नहीं महाराज, हम लोगों ने शेर के साथ लड़ाई भी की, अपने भाले से उसे मारा, लेकिन सेनापति को सामने पाकर उन्हें एक झटके में उठा कर ले गया। सेनापति तब सामने था? जी महाराज, हम लोगों ने उन्हें बहुत बार मना किया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, तलवार हाथ में लेकर अकेले उलझ पड़े शेर के साथ। महाराज झूठ, सरासर झूठ महाराज, बिल्कुल सफेद झूठ। महाराज ये तीनों जंगल में शेर के सामने मुझे अकेला छोड़कर भाग आए थे महाराज। तो तुम भी क्या उनके जैसे भाग कर आए हो या शेर पकड़ कर लाए हो? हैं? मतलब उसे मैंने पकड़ लिया था महाराज, लेकिन बस थोड़े के लिए वो निकल गया। बस थोड़े के लिए निकल गया, अब भला उससे क्या फायदा हुआ है? शेर तो भाग गया ना, अब रात को फिर से वो बस्ती के अंदर घुस के आएगा। लगता है वैसा फिर से नहीं होगा महाराज, उसे तलवार से मैंने इतना डरा दिया है ना कि वो क्या तलवार लेकर शेर डर गया? डर गया मतलब महाराज, डर कर करीब एक मिनट जमीन पर बेहोश पड़ा रहा। ऐसा है क्या? हाँ महाराज, पर ये सारे सैनिक वहाँ से भाग आए, वरना आज उसे पकड़ कर आपके सामने उसे हाजिर कर पाता महाराज। वाह सेनापति जी, वाह 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 वाह, महाराज को अच्छा झांसा दे रहे हैं आप हैं? झांसा? क्या बात कर रहे हो तुम गोपाल? तो फिर असल कहानी सुनिए महाराज, सेनापति को सामने रख सैनिकों का दल चल पड़ा और मैं भी चल रहा था उनके पीछे पीछे। तो क्या देखा तुमने? क्या देखा? जंगल में घुसते ही झमेला, सेनापति जंगल के अंदर नहीं जाना चाहते थे और सैनिक उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार सेनापति अपने दल के साथ अंदर घुसे और जंगल में घुसते ही शेर से हुआ सामना। उसके बाद शेर को देखकर ये बहादुर सैनिक गायब हो गए, शेर और सेनापति आमने सामने। किस्मत से तब कहीं से एक चील आया और शेर के सर पर मारा एक झपटा। शेर डर के मारे वहीं से भाग निकला और सेनापति कटे हुए केले के पेड़ की तरह जमीन में गिरकर बेहोश हो गए। और कहने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर उस नालायक को होश में लेकर आओ, होश में लाओ। हाँ, मैंने बस उतना ही किया था। उतना किया क्यों? बेकार कहीं का नालायक शेर के पेट में चला जाता तो ही अच्छा होता। मन कर रहा है ना, मन कर रहा है कि तेरी ये लंबी मूछें खींच कर उखाड़ दूं, जो शेर से डरकर बेहोश हो जाता है, वो फिर महिषासुर के जैसा मूछ रखता है। जा दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। महाराज, इन्हें दूर कर देने से तो वो शेर नहीं दूर हो जाएगा ना, उसका क्या करेंगे? मैं खुद जंगल में जाऊंगा और जो सैनिक मेरे साथ जाना चाहते हैं वो लोग जाएंगे मेरे साथ और बाकी सब की नौकरी मैं खा जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों सेनापति जी, आपने सोचा था शेर वापस आकर आपको ना पाकर मुझे खा जाएगा है और महाराज को झांसा देकर आपको पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ ना। अरे मैं तो यम से भी खतरनाक हूँ। हे भगवान, ये कैसी डरावनी बात है, ऐसे लोगों के साथ आप काम करते हैं? तो आप सोच कर देखो मैं किन लोगों के साथ काम करता हूँ, ये लोग ही हैं मेरे सहकर्मी। बताइए भला ऐसे बेईमान लोग भी होते हैं? जंगल में आपने जिसे होश में लाकर उसकी जान बचाई, वही सेनापति आपको शेर के सामने छोड़कर भाग गए? हे भगवान, वो सिर्फ भागा ही नहीं, जाते जाते बोल गया तू शेर के पेट में जा। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। मैं जा रही हूँ सेनापति के घर, अच्छे से उसकी बीवी पर मेरे मन की सारी भड़ास निकाल कर ही आऊँ। नहीं नहीं, उसकी बीवी पर भड़ास निकाल कर क्या फायदा होगा बताओ, सेनापति का
दबाव बदल पाएगी क्या वो? वो शायद नहीं कर पाएगी, पर उसे गाली गलौज करके मेरे मन की भड़ास तो पूरी कर लेती हूँ। हाँ। इसे भूल जाओ भगवान, बस भूल जाओ। भूल जाओ मतलब? जानते हो उसका पति सेनापति है, इसीलिए कितना घमंड है उसे। उठते बैठते मुझे सुना सुना कर कहती है, मेरा पति तो सेनापति है और तुम्हारा पति भान महाराज का लंगोट। क्या ऐसा कहती है? तो कहने दो, उसके कहने से तो तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं हो रहा है ना भगवान है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे मन की इच्छा वो तो पूरी नहीं हो रही। अरे मैंने कहा ना भूल जाओ भगवान, मेरी बात एक बार मान कर देखो। राज दरबार में मेरे कितने दुश्मन है, मंत्री शत्रु सेनापति शत्रु, पर फिर भी क्या मुझे उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा ही उस बात को याद रखता हूँ। कौन सी बात? जो सहता है वो रहता है और जो नहीं सहता उसका होता है विनाश। तो फिर मैं सेनापति के बीवी के साथ झगड़ने के लिए नहीं जाऊँ, आप यही कह रहे हैं? नहीं नहीं जाऊँगा, तुम जाकर अच्छी से खाना पकाओ ना भगवान, हिलसा मछली जाकर स्वादिष्ट तरीके से उसकी करी बनाओ। बहुत दिन हो गए खा के। ठीक है जी ठीक है, आप साक्षात यम के हाथों से बच कर आए हैं, इसलिए आप जो खाना चाहेंगे मैं आपको वही पका कर खिलाऊंगी आज, पर सबसे पहले तालाब में नहाकर पहले एक बार समझ गया, मेरी भलाई के खातिर तुम माँ काली की पूजा करने जाओगी। माँ काली की पूजा तो करूंगी ही, उसके साथ साथ दक्षिण राय के मंदिर में भी पूजा करके आऊंगी। पता है ना कि जंगल के शेर और सारे भूतों को वो ही संभालते हैं। हाँ हाँ, चाहे बातूनी हो या चाहे हो चिड़चिड़ी, पर मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मुझसे कितना प्यार करती है ना है? आहा, बुढ़ापे में प्यार उमड़ रहा है। गोपाल बाबू, आपको एक बार राजमहल आना होगा, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है ठीक है, तुम जाकर कहो कि मैं बस एक घंटे में आ रहा हूँ। हाँ। जब महाराज ने मुझे बुलाया है तो जरूर उस शेर को कैसे मार पाएंगे इस विषय पर ही बातचीत करेंगे, और कुछ बात नहीं करेंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं उस शेर को जान से मारने पर जोर नहीं दूंगा। हाँ। उसे पकड़कर इस राज्य से भगाना होगा, लेकिन लेकिन किस तरह किस तरह किस तरह किस तरह भगाएंगे उस शेर को। हाँ। महाकाली महाकाली हे भगवान, वाह वाह वाह, मेरे दिमाग में कोई तरकीब डाल दी जाए ना तो। ओहो, तरकीब डाल दीजिए माँ काली, कोई तरकीब डाल दीजिए मेरे दिमाग में। सुनिए मैं नहाने चली। जाओ जाओ तुम नहा कर आओ, तब तक मैं थोड़ा सोचता हूँ। सुनिए, महल में कोई आदमी क्यों आया था? ओ, महाराज ने बुलाया है ना। जरूर शेर को लेकर बातचीत करेंगे। वही तो लग रहा है। सुनिए, आप इस शेर के चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, एक बार किसी भी तरह बच गए, लेकिन अगर फिर से कोई मुसीबत हुई तो। ये तुम क्या बोल रही हो भगवान, राज्य पर इतने बड़े संकट के समय मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो तुम है? हाँ कह रही हूँ, क्योंकि महाराज के पास सैन्य बल और बाकी बहुत सारे लोग हैं उनके साथ, लेकिन आपके अलावा मेरा और कौन है बताइए आप? खामखा डर रही हो भगवान। सुनो सुनो, अगर तुम्हारे माथे का सिंदूर और मेरी आयु में जोर है तो फिर इस दुनिया में किसमें इतनी ताकत है जो मुझे और तुम्हें। रहने दो, और भाषण देने की जरूरत नहीं है, पता है मेरी एक भी बात आप नहीं सुनने वाले हो, आपके मन में जो है आप वही कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ। हे भगवान। अरे क्या हुआ? कल मेरे पैर में एक बबूल का कांटा घुस गया था। सर्वनाश, वो अभी भी तुम्हारे पैर के अंदर ही है क्या? नहीं नहीं, मैंने उसे निकाल तो दिया है, लेकिन बीच बीच में ऐसा दर्द हो रहा है ना, राज वैद्य से दर्द कम करने की कोई दवा लेकर देना तो। हाँ दूंगा दूंगा, जरूर लाकर दूंगा। हाँ भगवान, क्या बात बोली तुमने, वाह 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 वाह, बबूल का काटा, जय माँ काली, जय हो माँ काली की। क्या हो गया? बबूल के काटे की बात सुनकर आप इतना उछलने क्यों लगे हो? अरे वो बाद में जानने से भी चलेगा, अभी नहा कर पूजा करके अच्छे से स्वादिष्ट सा भोजन बनाओ, मैं झट से महाराज से मिलकर आता हूँ भगवान। यूँ गया और यूँ आया बबूल का काटा।
अब इनको फिर से क्या हो गया? इस इंसान के तौर तरीके समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। समझी रानी, लगता है कल मुझे ही जाना पड़ेगा उस शेर को मारने के लिए। लगता है वो शेर बड़ा खतरनाक है। अरे भाई, शेर तो खतरनाक होगा ही ना, वो तुम्हारा कोई पालतू बिल्ली तो है नहीं जो जो म्याऊं म्याऊं करके तुम्हारे पैरों के इर्द गिर्द घूमता रहे। फिर भी आपको जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, अगर कुछ हो गया तो? वो जाने दो। अरे महारानी, मैं महाराज कृष्ण चंद्र हूँ। शेर के डर से मैं घर में बैठा नहीं रह सकता हूँ, समझी तुम? मैंने सुना आपने सेनापति को भी भगा दिया है, तो फिर कौन लोग जाएंगे आपके साथ? जो जो सैनिक जाना चाहते हैं वो लोग जाएंगे। तो गोपाल जाएगा ना? हाँ, वो तो जाने के लिए एकदम आगे ही है। पहली बार उसने मना करने के बावजूद भी सिर्फ अपना जोश मिटाने के लिए अकेला ही चला गया, और इस बार मैं जा रहा हूँ, वो नहीं जाएगा। गोपाल के साथ रहने से मुझे थोड़ा भरोसा रहता है। सिर्फ भरोसा क्यों कह रही हो रानी? कहो मेरा इकलौता भरोसा, इकलौता भरोसा। तभी तो सलाह मशवरा करने के लिए उसे बुलाया है। मैं आ गया हूँ महाराज। अरे आओ 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 गोपाल, अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, तुम बहुत दिन जियो। वो तो मुझे जिंदा रहना ही होगा महारानी जी, खुद के लिए भले ही ना हो, इस कृष्ण नगर के लिए और महाराज की खातिर इतनी जल्दी मर जाने से तो नहीं चलेगा महारानी। गोपाल, गोपाल, इतने बड़े शेर को आँखों के सामने देखकर भी तुम हंसी मजाक कर पा रहे हो? क्यों नहीं कर सकता महाराज, जीवन में बचे रहना भी तो एक मजा है। जो भी हो, कहिए कहिए, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, बताइए। मैं कह रहा था कि कल मैं जंगल जा रहा हूँ, तो उस शेर को मारने या भगाने की कोई तरकीब है तुम्हारे पास? देखिए महाराज, मैं उस शेर को मार डालने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, क्यों क्यों क्यों? देखिए, हो सकता है कि वो गलती से कृष्णनगर में घुस आया हो, तो कुछ न कुछ करके उसे भगा देना सही रहेगा। यूं ही उसे मार देने से क्या होगा, आप बताइए। जो भी हो, भगवान ने बनाया है ना उस प्राणी को। लेकिन ये बात तो सही है, इस धरती पर उसे भी जीने का अधिकार है ना? देखो, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता है। वो मेरे राज्य में घुसकर लोगों पर हमला कर रहा है, इससे मेरे प्रजा को बचाना है मुझे, बस। अब वो तो मैंने सोचा है और एक रास्ता भी निकाल लिया है मैंने। कैसे? वो धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो फिर देखिएगा। देखूंगा। उस शेर का दहाड़ना पूरी जिंदगी के लिए बंद हो जाएगा महाराज, और उसे भागने का रास्ता तक नहीं मिलेगा। हाँ, तो महाराज कल आप हाथी पर सवार होकर आ जाइएगा। हाँ। हाथी पर? हाँ, हाथी पर सवार होकर, क्योंकि आपके पास मैं बैठा रहूंगा ना। तुम सिर्फ बैठे ही रहोगे? इसके अलावा भला मैं और क्या कर सकता हूँ बोलिए, मुझे तो तलवार या भाला चलाना नहीं आता, इतने बड़े पेट की वजह से अच्छे से भाग भी नहीं सकता। सब मिलाकर जो भी है वो है मेरे टकले के अंदर बुद्धि। समझ गया, मेरी कही हुई बात आज मुझे ही सुना रहा है तू? हाँ, क्यों? हाँ, वो हालांकि सच है, लेकिन समय आने पर ही आप देख पाएंगे मेरा खेल महाराज, और उस खेल का असल शस्त्र छुपा हुआ रहता है मेरे इस गंजे सर के अंदर, इसमें। हाँ, वो तो पता है, तुम्हारा वो सर ही तो तुम्हारा असल शस्त्र है। तो फिर अब मैं चलूं महाराज, और हाँ, किसी को भेज कर थोड़े बबूल के कांटे मंगवा कर शाम तक मेरे घर भिजवा दीजिएगा, बाकी चीजों का मैं इंतजाम कर लूंगा। बबूल के कांटों से भला वो क्या करना चाहता है, बताइए। वो भला मैं कैसे बताऊं, पर बोल सकते हैं कि सिर्फ दो लोग। कौन? एक है तुम्हारे सर के ऊपर विराजमान भगवान, और दूसरा है गोपाल। देखो ना क्या करता हूँ, मैंने सुना है महाराज गोपाल को लेकर कल जंगल जा रहे हैं शेर से मुकाबला करने के लिए। फिर से गोपाल? सुना है दोनों ही जाएंगे हाथी पर सवार होकर। चालाकी से उस हाथी पर सवार होकर मैं भी जाऊंगा। क्या करने? शेर को मारने? शेर क्यों मारेगा, मैं मारूंगा गोपाल को। कैसे? जैसे ही वो शेर हमारे पास आएगा, वैसे ही मैं धक्का देकर उस बदमाश को शेर के सामने गिरा दूंगा। बस, शेर भी खुश और मैं भी अर्जुन भी खुश। बढ़िया 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 योजना बनाई है आपने। उफ, मारिए मारिए, जितने दिन उटकला जिंदा रहेगा उतने दिन हमारे लिए खतरा, समझे? देवी संकट तारिणी के जैसे हमारे सारे खतरे अब की बार खत्म हो जाएंगे, तुम देखते रहना।
भगवान, अरे ओ भगवान। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, बताओ। लो ये पकड़ो। हाँ, अरे बाप रे, ये तो मांस है। तो इस समय मांस क्यों खरीदने गए थे आप? पता नहीं, रात को मांस खाने से मेरा तो पेट गर्म सा हो जाता है। अरे हमारे लिए नहीं लाया हूँ बाबा। तो फिर? मैं लाया हूँ इसे शेर के लिए। कल महाराज के साथ मैं जंगल जाऊँगा और आज के जैसे अगर कल भी उस शेर से सामना हुआ तो मैं ये मांस का टुकड़ा उसके सामने फेंक कर उससे कहूँगा। क्या मैं कहूँगा, शेर भैया, शेर भैया, अगर तुम्हें मांस चाहिए तो बकरी का मांस दे रहा हूँ, खाकर हिंसा भूल जाना। लेकिन जो भी करोगे वो सावधानी से, ठीक है? याद रखना ये एक साक्षात शेर है। हाँ, और हाँ, थोड़ी देर पहले महल से एक आदमी आकर कुछ बबूल के कांटे देकर गया। ओह, दे गया? वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बच गया। अच्छा सुनिए, बबूल के कांटों से भला क्या होगा? इन कांटों को शेर के निकलने के बाद उसका सर घूम जाएगा। हाँ। अच्छा सुनो, घर में थोड़ा मैदा और घी है ना? है? है। ओ बढ़िया, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाकर चूल्हे में आग जलाओ भगवान। है, क्या मैं आ सकता हूँ महाराज? आओ आओ। वो क्या है, अरे तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा धनुष क्यों? महाराज, आपके साथ शेर का शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा क्या? है? मेरे साथ तुम शेर का शिकार करने जाओगे? वाह, नहीं जाऊँ। मैंने सुना आपने सेनापति को भगा दिया, अब अगर मैं आपके साथ नहीं चलता हूँ और नहीं चलता हूँ तो फिर? और जाकर मेरा कौन सा उपकार करोगे? समझे नहीं, जब वो शेर आएगा तब इस धनुष में तीर फंसा कर ठीक निशाना लगा कर मैं शेर की ओर तीर छोड़ दूंगा, शाइन करके। तीर धाएं करके शेर के सीने में घुस जाएगा और वो पाई करके देखते ही देखते शेर मर जाएगा, मर जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा कहा तुमने, शाई पाई धाई। अच्छा मंत्री, शेर को मारना क्या इतना आसान है? हाँ आसान है महारानी, बिल्कुल आसान। बहुत ही आसान है, सिर्फ उसके लिए चाहिए तीर चलाने की कला और साहस। दूर जाओ मेरी नजरों से। शेर की दहाड़ सुनकर जो राज्य छोड़कर भाग जाता है उसे मैं साहसी कहूँ? मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मेरा ससुराल में निमंत्रण था। असल में उन लोगों ने तालाब में जाल डालने का सोचा था ना। और तभी तुम वहाँ से छोटी मछली की तरकारी चखने के लिए भाग निकले थे, क्यों? नालायक कहीं के? सिर्फ इसी बात के लिए मुझे एक मौका दीजिए महाराज, एक मौका दीजिए, शेर मेरे हाथों ही मारा जाएगा। नहीं। यानी आप मुझे लेकर नहीं जाएंगे? नहीं, तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, और जाते समय अगर तुमने मेरा रास्ता रोककर अपना दुखड़ा रोया तो सैनिक बुलाकर तुम्हें महल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, समझे तुम? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मर गया तो फिर मेरी योजना का कोई फायदा नहीं हुआ गोपाल नाई, इस बार भी मेरे हाथों से बच निकला। है? क्या हो गया अब, अभी भी खड़े हो यहीं पर? तुमने सुना नहीं मुझे? हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। देखा आपने कैसे कटे हुए फसल के जैसे दरवाजे के बीचों बीच खड़ा है गधा कहीं का? चलिए महाराज, चलिए आइए मेरे साथ। महाराज का ध्यान रखना गोपाल। देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए महारानी जी, सिर्फ एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर गोपाल हो मौजूद वहाँ से संकट भागे कोसों दूर, बस यही याद रखिए। क्या हुआ गोपाल, काफी समय हो गया पर वो शेर दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर गया कहाँ वो? हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ महाराज। मुझे लगता है वो शेर जहाँ कहीं से भी आया था वहीं वापस चला गया है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात हुई ना गोपाल। क्यों महाराज? अरे मुझे अब खामोखा शेर के आमने सामने नहीं जाना पड़ेगा। कुछ तो करो गोपाल, कुछ तो करो गोपाल।
अरे कुछ करो करो कुछ करो गोपाल। आजा 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 चल शेर आजा आजा ये ले ये ले ये ले आ ये ले ये ले। क्या देख रहा हूँ शेर म्याऊं म्याऊं आवाज निकाल कर पेड़ से अपनी गर्दन रगड़ रहा है। रगड़ेगा जरूर रगड़ेगा। वो हमारे गले में मछली का कांटा फंस जाने पर हम लोग कैसे परेशान होते हैं ना महाराज, पर ये तो बड़े बबूल के कांटे हैं। बबूल के कांटे मतलब तुमने कल जो मुझसे मांगा था। हाँ महाराज, मांस के टुकड़े के साथ मैदा घी और बहुत सारे बबूल के कांटे मिलाकर उनका गोला बनाकर मैं अपने साथ ले आया था महाराज। बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार शेर के छलांग मारते ही मैंने उसकी ओर फेंक दिया वो गोला। जैसे ही उसे मांस की खुशबू आई उसने वो टुकड़ा निगल लिया और उसके गले में वो कांटा अटक गया महाराज। और फिर वो शेर एक बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हुए जमीन पर लुढ़क रहा है महाराज। सच में गोपाल तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। हाँ सच में कोई जवाब नहीं है। अरे देखो देखो गोपाल, अरे देखो वो देखो वो शेर भाग रहा है। वो भाग रहा है। बेचारे को भागने दीजिए महाराज, फंसे हुए बबूल के कांटों के घाव से वो ऐसा पागल हो जाएगा कि जीवन भर इंसानों के करीब वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ महाराज। लगता है कुछ न कुछ तो जरूर होगा। वो लोग सब एक जगह पर जमा हुए हैं, सब लोग एक साथ इधर ही आएंगे। ओहो थोड़ा शांत हो जाओ सब लोग, अभी शांत हो जाओ बच्चों। नहीं दादाजी, अब और समय नहीं है बिल्कुल भी। अब तक शायद वो लोग आ भी चुके होंगे। और वो लोग बार बार आपका नाम लेकर कुछ बातें कर रहे थे। आज कह रहे थे किसी भी तरह रफा दफा करके ही छोड़ेंगे। अरे सुनते हो ये सब क्या कह रहे हैं? बोलिए ना ये क्या सर्वनाश है? आखिर कौन लोग आ रहे हैं और किस बात का रफा दफा करेंगे वो लोग? अरे ये आपने क्या किया, अब हम लोगों का क्या होगा? अरे बाबा इतने सवाल सब एक साथ करोगी तो फिर मैं कैसे कोई जवाब दे पाऊंगा बताओ। और सिर्फ सवाल ही है क्या, उसके साथ रोना भी तो है। ओहो मेरे कानों की तो दशा बिल्कुल खराब हो गई है। क्या ये जानकर रो रही हूँ क्या? आप यहाँ वहाँ इधर उधर से मुझे रुलाने वाले काम करके आओगे और मैं मुस्कुरा कर हंसते हंसते लोगों की कड़वी बातें सुनूंगी? ये नहीं हो पाएगा, मैं कह देती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, काम या बर्बादी वो मैं बाद में सोचता हूँ। अब तुम लोग शांत होकर मुझे बताओ कि बात क्या है, मतलब कौन लोग आ रहे हैं? हमें मामला क्या है कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग एकजुट होकर बात कर रहे थे कि अभी के अभी आकर आपको सब बताएंगे। शायद किसी ने कहीं पर गोलमाल किया है। कह रहे थे कि आप हो इसलिए वो बच रहे हैं, वरना बहुत पहले ही वो लोग उसे सबक सिखा देते। हाँ उन लोगों ने बहुत दिन सहन किया है, अब और नहीं, अब आपको कुछ ना कुछ करना होगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वो लोग खुद कुछ करेंगे। दादा जी वो लोग बहुत गुस्से में थे पता है, मतलब उनका दिमाग काफी गर्म था। रुको रुको रुको, इतनी उत्पात क्यों मचाई हुई है? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इसका मतलब किसी ने कुछ नहीं बताया है क्या? और मेरी वजह से वो बच रहे हैं? अगर मामला बिल्कुल ऐसा है फिर तो अब लगता है कुछ समझ में आ रहा है मेरे। हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये संदेश इतना स्वादिष्ट है ना, स्वाद मुंह में लगा रहेगा। दो दो और पांच से यही संदेश हमें दे दो जल्दी। नहीं नहीं और संदेश नहीं, अब वो चमचम चक कर देखते हैं, समझा? लग रहा है उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये तो तूने गलत नहीं बोला,
वो सारे चमचम वाह रस में कैसे बह रहे हैं, देख देख देखना। नहीं नहीं नहीं, और इंतजार नहीं कर सकते। अरे लाओ जल्दी से दो हमें, जल्दी से हमें चमचम दो। कितना स्वादिष्ट है रे, आह लग रहा है गमले के सारे चमचम अकेले ही चट कर जाऊं। वाह, मुंह में डालते ही झट से घुल जाता है ना ये चमचम स्वादिष्ट जरूर है, लेकिन लेकिन थोड़ा खाने के बाद ही पूरा मुंह मीठा हो गया। नहीं नहीं, और मीठा नहीं खाऊंगा, अब कुछ और खाना पड़ेगा, समझा। लेकिन लेकिन क्या खाऊं क्या खाऊं। अरे वो देख, ए नेपा, बुला बुला उसे, यहाँ बुला जल्दी से। ए ए इधर आओ। फंसना ही था तो आज ही इनके चंगुल में फंसना था, आज मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। ये लो, केले और अमरूद मिला कर ना 15 रुपए हुए हैं पूरे, पहले मुझे पैसे तो दे दो। मेरा भी सब कुछ मिला कर लगभग 50 रुपए हुए हैं, लेकिन सुनो बच्चों, आज कोई उधार वगैरह नहीं चलेगा हाँ? मैं पहले से ही कह देता हूँ, है ना? हा? लगता है इनको अपना व्यवसाय और करने की इच्छा नहीं है, मुझसे पैसे मांग रहे हैं। लगता है इनको अपना व्यवसाय और करने की इच्छा नहीं है, मुझसे पैसे मांग रहा है, किसे क्या बोल रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं, लगता है इनको फिर एक बार सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा, समझा। सुनो, अगर ये गुस्सा हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा, मतलब जिसे कहते हैं अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझे। चुपचाप जो मांग रहा हूँ दे दो, वरना महाराज के पास खबर पहुँच जाएगी, समझ गए। हाँ, मैं कौन हूँ तुम्हें याद है ना? अगर भूल गए हो तो अच्छी तरह से सुन लो, मैं हूँ महाराज का दाया हाथ गोपाल, मैं गोपाल भांड का लड़का हूँ। हाँ, मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी, समझे। जो मजा चखाया ना गुरु, सब डर के मारे कांपने लगे, चाहे कुछ भी बोल। इस तरह मेरा मतलब तेरे पिताजी का नाम, मतलब गोपाल भांड का नाम लेके और महाराज का डर दिखा कर हम बहुत मजा लूट रहे हैं, क्यों? गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर मेरे लड़के का गुणगान करके मेरे चेहरे पे कालिक पोत कर चले गए, और अभी मेरा राज दुलारा मेरा नाम रोशन करके लौटा है, है? अरे लगता है सारे लोगों ने एक साथ आकर मेरी अच्छी शिकायत की है, आज मुझे बहुत पढ़ने वाली है। लगता है मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बच्चा और बदमाशी नहीं करेगा, उसे एक मौका तो दो, वो बिल्कुल सुधर जाएगा। देख नहीं रहे हो वो अभी कितना शांत हो गया है। हाँ। अभी और मुसीबत न बढ़ाकर चुपचाप सारी बातें सुन लेना ही अच्छा होगा, बाद में गुस्सा शांत होने के बाद कुछ और इंतजाम किया जाएगा। हाँ। तो फिर तुम्हारी बात सुनकर एक बार मौका देकर देखता हूँ, पर ये आखिरी मौका होगा है। उसे कल से ही खेत में काम करने जाना होगा, कड़ी धूप में काम करके पहले कुछ दिन मेहनत करने दो, उसके बाद देखता हूँ। महाराज के नाम से तुमने मुझे बहुत डराया, अब मजा चखाता हूँ। ओह, पिताजी की वजह से मेरी ये हालत हुई, पिताजी ने मुझे अच्छी सबक सिखाई है, मुझे सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया। इस तरह चलता रहा तो मेरा जो हाल होगा वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। अरे बाप रे, कुदाल चलाकर मेरे हाथों की खाली निकल गई है। अरे बाप रे, अरे ए, 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 मुझे ऐसा लगा मैंने कोई आवाज सुनी। नहीं, लगता है वो मेरा वहम है, यहाँ मिट्टी खोद खोद के मेरा सर इतना चकरा रहा है कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या सुन रहा हूँ और क्या नहीं सुन रहा हूँ। अरे अरे, ये भला क्या है,
देखता हूँ मिट्टी को अच्छे से हटा कर देखता हूँ। अरे भाई, अब बिल्कुल बिल्कुल ही साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यहाँ आया कहाँ से? हाँ, पहले सोचा था मेरे मन का वहम है, लेकिन थोड़ा और मिट्टी खोदने के बाद मुझे अजीब सा देखने वाला दिया मिला। और अब देखो इसका कमाल। हे भगवान, अब भला ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो मुझे जिंदा निगल लेगा, ये मुझे जिंदा खा जाएगा, जिंदा ही निगल जाएगा। ये क्या अशुभ चीज है? ये तू किसे घर के अंदर ले आया रे बच्चे? अरे सुनिए, अब हम लोगों का क्या होगा बताओ? नहीं, जब मेरे लड़के को ये दिया एक बार हाथ लग गया है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब इसके बाद जो बड़ी मुसीबत आएगी उसके बारे में मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, लेकिन अब देखना है कि उस मुसीबत से मेरा लड़का कैसे बच निकलता है। हाँ? अरे नहीं, इसमें भला डरने की क्या बात है? मैं तो प्यार से इसे बुलाने के लिए इसे नाम भी दूंगा सोचा है, मेरा मतलब प्यार से बुलाने वाला नाम। पर अभी आपको क्या चाहिए वो झट से कह डालो। हाँ? क्या कह रहा है? मैं जो भी चाहूंगी वही होगा। तो फिर इसे बोलो कि ये घर के सारे काम निपटा दे जल्दी से। काम खत्म हो गया, जल्दी से और काम दीजिए। अगर जल्दी से काम नहीं दिया तो क्या करोगे? ओह, आप चुप करोगे? हाँ, मतलब मेरे दानू भाई, बाद में जो होगा वो देखेंगे। अभी मेरे लिए शाल काट के पत्तों में लपेट कर कुछ ताजा बने जलेबियाँ लेकर आओ। जाओ हुकुम मेरे आका। लेकिन वो क्या बोल रहा था? सारी बातों में आप टांग नहीं लड़ाओगे तो भी चलेगा, वो मैं अकेले संभाल लूंगा। भगवान, मुझे लगता है कि हमारा बेटा इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ले ले ले, जल्दी जल्दी खा ले। आई आई, और मना मत कर, ये काम भी हो गया है। जैसा कहा था, बगीचे से घास काट कर गैया को मैंने खिला दिया है। उसके बाद क्या करने के लिए कहा था? हा, याद आया, छत पे लगा भूसा बदलना होगा। उससे पहले बाहर खुले में घास काट कर लाना होगा। दानु भाई, हाँ वो देखो वहाँ पर हंसिया रखा हुआ है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से घास काट कर लाओ। और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, समझे? धान साफ करके उन ढेर में भरना पड़ेगा। इतना धीरे धीरे काम करोगे तो चलेगा। क्यों, जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना? मेहनत करके काम करने की और कोई जरूरत ही नहीं है। अब बस आराम से बैठकर जिंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, बात तो तूने बिल्कुल गलत नहीं बोली, पर क्यों? कहते हैं ना, ज्यादा छोटा मत होना बकरी खा जाएगी, और ज्यादा बड़ा भी मत होना तूफान में फंस जाओगे। तुमने ये कहावत सुनी है कि नहीं भगवान? ओह पिताजी, तो बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। देख रहा हूँ किसी भी चीज से इनका मन नहीं भरता। भरेगा, आने दे, समय आने दे, सही में मन भरेगा। अभी भी देखते वाली बात का मतलब नहीं समझ पाया हूँ मैं। सुनो बेटा, मेरे पास कुछ भी मत छुपाना। ओह, आप चुप करेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए वरना। अच्छा भैया दैत्य, ये जो तुम हमेशा वरना कहते रहते हो, इसका मतलब क्या है बताओ? वरना मतलब क्या, सुनोगे तो सुनो। उसके साथ मैंने शर्त लगाया है, उसे हमेशा काम देते रहना पड़ेगा, और अगर काम नहीं दे पाया तो वो मुझे मार देगा। क्या? सर्वनाश, ये क्या कर रहा है? अजी सुनो, कौन कहाँ पे हो? इस दैत्य के चंगुल से हम लोगों को बचाइए। काम दीजिए, समय बीत रहा है। अरे मेरे बच्चे, ये तूने क्या कर दिया रे? ये तूने क्या किया? ओह चुप करिए, मुझे सोचने दीजिए।
काम दीजिए। क्या सोचेगा, थोड़ी ही देर में तेरा सर धड़ से अलग कर देगा। काम दीजिए। पिताजी और माँ को जंगल में छोड़ कर आओ और मुझे सोचने दो। ये क्या हुआ, उस दैत्य ने ये हमें कहाँ लाकर पटक दिया? इस जंगल में शेर चीते हमें चीर कर खा जाएंगे। मुझे तो पहले से ही लगा था वो दैत्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सब्र करो भगवान, सब्र करो, इतना उतावला बिल्कुल मत हो, थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाओ, बस थोड़ी देर। तुम्हारा बेटा थोड़ी देर में खुद भागता हुआ आएगा, हमें बस उसके आने का इंतजार करना है चुपचाप बैठकर, समझ गई? इधर उधर से तो बहुत काम दे रहा हूँ, लेकिन पहले जितनी देर लगा के वो काम करता, अभी तो दानू भाई उसे आधे समय में ही सारा काम निपटा देता है। अब तो नए नए काम ढूंढ कर निकालना ही मुसीबत बन गई है। अभी वापस आकर काम मांगेंगे। हो गया है। क्या? तुम आ भी गए, मर गया। अब मैं इसे क्या काम दूं? काम। हाँ, सुनो दानू भाई, आगे आकर अच्छे से मेरा सर मालिश करके कहो तो मेरे सर पे कितने बाल हैं? देखना, एक भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब अच्छा काम दिया है इसे। ले बेटा, अब संभाल ये काम को। 15,32,324 काले बाल और 1,27,313 बाल बादामी, इनको जोड़ने से होगा। अरे भाई ठीक है, चाहे वो जितना भी हो, लेकिन इतने कम समय में सब गिन लिया है? कहो तो सारे बादामी बालों को निकाल भी सकता हूँ। सिर्फ बादामी क्यों, सारे बालों को निकाल फेंको। जैसा आप कहो। नहीं, रुको। अरे बाप रे, रुको। ओह, अब मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, उसकी यार जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे प्राण ही नहीं रहेंगे तो तुम चाहे पागल हो या अकलमंद, वो सबसे तब क्या होगा भला। अरे ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, लेकिन अब इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या करूँ? अब लगता है मेरा दिमाग काम कर रहा है। इस मुसीबत से अब मुझे एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है। नहीं, और देर नहीं कर सकते, मुझे पिताजी के पास ले चलो। जरूर, चलो तुम्हें अभी के अभी लेकर जाता हूँ। क्यों जी, अभी तक तो मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं है। सही में, अब फिर से कभी क्या मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी? मुझे कब से बहुत घबराहट हो रही है। ओहो, अनाप शराब सोचना बंद करके तुम जरा चुप करके बैठोगी? मुझे जो गाना सूझा है वो गाने दो जरा, कभी कभी ऐसा गाना बुरा नहीं लगता है। अरे 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 अरे, ये देखिए मेरा बेटा आ गया। ओह, बड़ी राहत मिली, इतनी देर बाद जैसे मेरे जान में जान आई है। नहीं, आपकी जान में जान आई या नहीं वो मैं नहीं जानता, पर मेरी जान और ज्यादा देर नहीं है, मैं बस मरने ही वाला हूँ। अरे अगर काम नहीं दे पाए तो वो तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से एक झटके में अलग कर देगा बच्चू। तुझे कुछ नहीं सूझ रहा है बेटा, कुछ नहीं। पिताजी मुझे बचाओ। काम दीजिए। मुझे मालूम था कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तुझे मेरा ही और सिर्फ मेरा ही सहारा लेना पड़ेगा बच्चू। अरे क्या मुसीबत है, जब सब कुछ पता है, जब सब कुछ समझते हो तो कुछ ना कुछ मतलब का कोई तरीका। अरे कैसे इसके चंगुल से बचूं वो तो बताओगे? बहुत बकबक कर लिया, काम दो मुझे। उसे एक कुत्ता लाने को बोलो। एक कुत्ता लेकर आओ।
अब कुत्ते की दुम को सीधी करने को बोलो। अब सही है, अब ना उस कुत्ते के दुम को पूरी तरह से सीधा कर दो, और ये काम खत्म करने के बाद ही तुम मुझे मार दोगे। पर अगर ये नहीं कर पाए तो तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। तुम अब की बार जो इस दिए में घुसोगे और कभी भी बाहर नहीं आओगे, राजी? ये भी कोई काम है क्या? ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये देखो हो गया। अरे अरे, ये तो फिर टेढ़ा हो गया। नहीं, अब हो गया। अब फिर से पहले जैसा टेढ़ा हो गया है। ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा है। अरे ये देखो, मैं नाक मल रहा हूँ, मैं अपने कान मल रहा हूँ, और अभी भी काम नहीं मांगूंगा। अब रास्ते पे आ गए ना बेटा, मेरे चंगुल से क्या इतनी आसानी से बचाया जा सकता है? लो अब चुपचाप से इस दिए के अंदर घुस जाओ, जल्दी करो। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक सवाल है, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मुझसे ये काम कैसे नहीं हुआ? बहुत आसान है, कुदरत से ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है, उसको कोई भी बदल नहीं पाएगा, क्योंकि कुदरत ने ही तो कुत्ते को टेढ़ी दुम दी है, तो उसे कोई भी सीधा नहीं कर पाएगा। हाँ। मैं जा रहा हूँ। जान बची, मुसीबत सर से टली, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना, उसका सब भला जिसका अंत भला। लेकिन अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है भगवान, अब इसकी बारी है। अरे बाप रे, आप लोग कितने भारी हो। मैं थक गया। जैसे लड़के ने गलती से एक दिन माँ बाप को दूर कर दिया था, आज उसी तरह उन्हें वापस लेकर भी जा रहा है। अब तो मेरे बच्चे के ऊपर और गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं 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 भगवान, मैं अपने बेटे पर और गुस्सा नहीं हूँ। मैं ठीक समझ रहा हूँ कि मेरा बेटा इस बार ठीक अपने आप को सुधार लेगा, क्योंकि जान के डर के भार से हम लोग कम भारी है, समझी भगवान? अरे बाप रे।